जो देश के संविधान की हत्या करे कानून बनेगा, हम उसका ना आज समर्थन करते ना कभी भविष्य में करेंगे और ना होने देंगे। आप याद रखें, आरक्षण को छूने नहीं देंगे किसी भी गवर्नमेंट को, कोर्ट को भी। ये कोर्ट अच्छी तरह जान ले, जो जनता चाहेगी वो होगा इस देश में। ये लोकतांत्रिक देश है। जय संविधान, जय भारत। इस देश में अभी यूपी की बता रहा हूँ, दो चीजें गौर को कान खोल कर सुनना। यूपीएससी का रिजल्ट 2015 में जो हुआ था, 314 बच्चे ओबीसी के, उनको वो आईएएस बनते, उनको उनका ये कह के क्रिमिनल एयर की बात करके नए नियम बना के उनको वो कर दिया है बेरोजगार। ये कर रही है भाजपा की गवर्नमेंट, और भाजपा गवर्नमेंट लाई उत्तराखंड से उठा के यहाँ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के लिए। महमूद प्राचा साहब यहाँ है, हमने रिट भी फाइल की है। उत्तराखंड की गवर्नमेंट लाई झूठ ना बोला जाए कि बीजेपी हमारे खिलाफ नहीं, देश के दलित पिछड़े आदिवासी और मुसलमानों धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ पूर्ण रूप से उन्हें देश में बर्बाद कर देना चाहती है। ये आंदोलन जारी रहेगा, किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेगा। दूसरी बात, अभी एक हमारे बहुत जिम्मेदार साथी, उनकी वाइफ यहाँ खड़ी है, हमारी बहन डॉक्टर कफिल साहब, आप जानते हैं कितने नेक आदमी हैं, और उनका जुल्म ये है कि वो सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनको भी बंद किया गया, एनएसए लगाई गई है। मैं बेहतर समझता हूँ कि क्या बीत रही होगी। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप अकेले नहीं है, हम सब लोग आपके साथ हैं, आपको न्याय दिलाएंगे, आपको जल्दी बाहर आएंगे। ये वादा हमने अपनी बहन से कर लिया है, इसको भी महमूद प्राचा साहब कोर्ट में और ओपी भारती जी लड़ेंगे अब हाई कोर्ट में। अब एक बहुत जरूरी बात जो आप सब लोग जान लें, आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, मैंने जैसे फैसला बताया लोगों को पता ही नहीं है, हमारे एजुकेटेड लोगों भी वो कह रहे हैं प्रमोशन और रिजर्वेशन पे आया फैसला, कहां हैं हम और कितना रिप्रेजेंटेशन है हमारा एससी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों का। मेरी पूर्ण मांग है सरकार से, सरकार के लोग सुनेंगे भी और देखेंगे भी, कान भी है उनको, आंखें भी है। इसमें ऑर्डिनेंस लाके इसको संविधान की नवीन सूची में डाला जाए, जिससे न्याय हस्तक से खत्म हो जाए बिल्कुल रिजर्वेशन पे, और सिर्फ SC ST को नहीं, OBC को और माइनॉरिटी को भी प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जाए। ये हमारी मांग है सरकार से। ये झूठ नहीं चलेगा, SC ST OBC माइनॉरिटी के हमारे भाई हैं, हम उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। और संख्या के आधार पर आरक्षण लागू होगा इस देश में, ये जान ले, ये लोकतंत्र है। इतने बड़े हिस्से को दरकिनार करके कुछ लोगों के लिए आप अधिकारों की बात करोगे तो जनता सड़क पर आएगी। 23 तारीख के लिए तैयारी करनी है मुझे। मध्य प्रदेश हम लोग कराए, राजस्थान कराए, बढ़िया ऐतिहासिक बंद होगा। अब पंजाब हरियाणा 2 दिन का टूर है, उसके बाद MP महाराष्ट्र का टूर है, और छत्तीसगढ़ का अधिक चले गए। ये आपकी जिम्मेदारी है। आज लाठी गोली और जेल से डरोगे ना मुकदमों से, तो आने वाली पीढ़ियां जो है गुलाम पैदा होंगी देश में, याद रखना मेरी बात को। और जानबूझकर तुम्हें मेन स्ट्रीम से हटाने का पूरा प्रबंध कर लिया सरकार ने, ये झूठी सरकार है। सरकार के ही लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जातिवाद जज इंतजार करते हैं कब मौका मिले इनके खिलाफ कोई फैसला दे, ये चलेगा नहीं इस देश में। अब कॉलेजियम सिस्टम खत्म तब होगा जब सरकारें आपकी होंगी, लेकिन याद रखें अब हर जगह पर रिजर्वेशन की मांग होगी, चाहे प्राइवेट हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, SC ST OBC और माइनॉरिटी के लिए। और ये दिया जाएगा, और मीडिया के लोगों से मेरा निवेदन है, आप जनहित की बात, क्या कर रहे, जनता की बात को बड़ी गंभीरता रखें। आप लोकतंत्र का छोटा स्तंभ है, नीचे करो यार। और वहाँ हमारे लोग नहीं, हमें लगता है कि हमारी मांग वहाँ से भी सही तरह नियुक्ति, झूठ दिखा दिया जाता, सच रोक दिया जाता, ये भी नहीं चलेगा। अगर हमने आपके टीवी देखने बंद किए ना तो ये दुकानें बंद हो जाएगी, आप घर बैठे सजोगे, याद रखना। और ये चंद्रशेखर की आवाज नहीं है, देश के दलित पिछड़े आदिवासी मुसलमानों की आवाज है। कोई प्रमाण पत्र चाहे तो बहस करके देख ले, जिसको जरूरत हो बहस करे और बताए कि हमारा टीवी बहुत अप है, हमारी TRP बहुत बड़ी हुई है, एक दिन में धरती पे पटक के ना दिखाई तो फिर बताना। सब लोग जाने कि देश का बहुजन समाज हमेशा से मुल्क के साथ खड़ा रहा है, और आज भी हम लोग अपने मुल्क में हिस्सेदार इसलिए चाहते हैं कि जाकर उन पदों पर अपने मुल्क के लिए काम कर सके। वरना सब लोग जानते हैं अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो देश को बर्बाद किया, किसी को कोई शक तो नहीं इसको। और सेंट्रल गवर्नमेंट में 85 सचिव हैं, एक दलित, 3 आदिवासी और ओबीसी 0, ये स्थिति है। और कह रहे हैं देश आरक्षण वाले बर्बाद कर रहे, झूठो, हम बर्बाद कर रहे हैं, हमें तो मौका ही नहीं मिला। जिस दिन हम राज करेंगे उस दिन ये देश फिर सोने की चिड़िया होगी, अशोक का देश होगा ये। अभी ये अंगड़ाई है, 23 को बताएंगे कि जन आंदोलन क्या होता है।
और याद रखे सबसे बड़े आंदोलन यूपी में होंगे, क्योंकि यूपी के लोग जो है वो शेर है, वो अपने अधिकारों के लिए पहले भी कुर्बानी देते आए हैं। मेरे याद है राजस्थान में 72 गुजर भाइयों ने कुर्बानी दी, और हरियाणा में सैकड़ों जाट भाई आज तक भी जेल में है। एससी एसटी ओबीसी अपने अधिकारों को जान नहीं रहा था, लेकिन आज जान गया है। अब बताएंगे कि ये देश कैसे चलेगा, ये देश बहुजन समाज के दिखाए रास्ते पे चलेगा और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा, सब लोग जान लेंगे। तो मेरी मांग है, एक रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से ये है, ये मैं ही नहीं सब लोग करेंगे हमारे साथी, कि अपने बंद को शांतिपूर्वक तरीके से करें, विरोध दर्ज कराना है, सिस्टमेटिक रहना है, कोई कैजुअलिटी नहीं होने देनी। सरकार के गुंडे आएंगे आपकी भीड़ में, जैसे यहाँ भी आ सकते हैं, हंगामा करेंगे, पथराव करेंगे, पुलिस के साथ लड़ेंगे। हमारा काम पुलिस से लड़ना नहीं है, पुलिस के पास हमारा कोई अधिकार छिपा हुआ नहीं, जो हमें देगी हमें सरकार से लेना अधिकार, वो हम छीन के लेंगे। तो अपने आंदोलन को बहुत सतर्कता से करें, ये मेरी मांग है सब लोगों से। बाकी याद रखें, अब जिसको बहस करनी हो, गृह मंत्री तो झूठ बोलते हैं, उनसे तो क्या बहस करनी। अगर कोई जिम्मेदार आदमी सरकार की तरफ से बहस करे, हमारी तो एप्लीकेशन वहां सेलेक्ट नहीं होगी, तो कहते हैं कि सीए पे बहस कर ले। मैं बताता हूं कि यहाँ के दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को गड्ढे में डाल के पाकिस्तान के दलितों की बात करते हो, अफगानिस्तान के, बांग्लादेश के दलितों की बात, तुम उनकी चिंता करोगे? बाबा साहब जो सबसे बड़े चिंतक थे, उनकी सभ्यता निकालने वाले आरएसएस के लोग दलितों की चिंता करेंगे? हम नहीं जानते तुम्हारा चाल चरित्र, कितने झूठे हो तुम लोग। ये मेरी दिमाग मांग है आप लोगों से कि 23 तारीख को सबसे बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन होना चाहिए, आप लोग सड़क पर आए, निकलकर घर ना रहे, ये आपके आने वाली पीढ़ियों का सवाल है। और ये भी सवाल है कि आप यहाँ देश में कैसे जिएंगे, अब ये सवाल बन गया है, क्योंकि अगर ये अधिकार बंद हो जाए, डेमोक्रेसी की बात होती है कि यहाँ डेमोक्रेसी है, आप आंदोलन करने आएंगे, गजब की बात है कि दिल्ली की सच्चाई जान लीजिए, आंदोलन करने आएंगे, मैं खुद खा चुका लाठिया, गोलियां और जेल, और अगर ज्यादा बोलेंगे सरकार के खिलाफ तो एनएसए, मैं जेल आया, काफिल भाई अब चले गए जेलने के लिए। ये है सच्चाई डेमोक्रेसी की। परमिशन ली थी 3 दिन से, आज सुबह 11 बजे जिस समय का समय था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु वाल्मीकि जी के पास मैसेज आता है कि कैंसिल कर दी गई, ये मजाक बना रखा है, ये मजाक नहीं चलेगा। लाठी गोली और मुकदमों से डरते, पुलिस प्रशासन जान ले और सरकार जान ले और दिल्ली पुलिस में जान ले, हमारा जो बुनियादी अधिकार है, हमारे जो राइट्स है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 46 जो देते हैं, आर्टिकल 14-15 देते हैं, जो फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 14-4 देता है, उससे छेड़खानी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सड़क पर आएंगे, आप चलाओ लाठी, सीने बहुत मजबूत है, आप चलाओ गोली, सीने बहुत मजबूत है देश के बहुजनों के, और जेलें बड़ी करो। अब हम देखते हैं कि आपकी जेलों में कितनी जगह है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। एक बार हमारे साथी महमूद भाई भी यहाँ होंगे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी आ जाएं। कहाँ है भाई? वो भी, क्योंकि वो हमारे लीगल एडवाइजर भी है, और पूरे देश में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं साइन बाग से लेकर, सबके लीगल एडवाइजर है वो। मैं चाहता हूँ वो भी इंस्ट्रक्शन जो है साथियों को दे दे, क्योंकि आप बहुत जिम्मेदारी से अपने आंदोलन चला रहे हैं, अब आपने लोगों को छोड़ नहीं सकते किसी हालत में, किसी के भरोसे भी। याद रखिए, मैंने फिर कहा है, जब तक बाबा साहब के बच्चे आरक्षण को छूने नहीं दिया जाएगा किसी को भी, बार बार बता रहा हूँ, कोई हो, जब पहले हमसे मुकाबला करें फिर छूए आरक्षण को।